ये एजेक्ट सीरीज का तीसरा वीडियो जिसमें हम लोग डिलीट करने का प्रोसेस एजेक्ट की मदद से और लैरावेल एक वाली मदद से। इसमें हम लोग सबसे पहले ना फंक्शन बना देंगे यहाँ पर जिसका नाम बेसिकली पब्लिक फंक्शन और यहाँ पे देंगे। तो आप जब ए पी आई बनाओगे ना एपीआई बनाने तो वो एपीआई के फोल्डर में जाएगा। तो एपीआई अलग कंट्रोलर बनाएंगे एपीआई के लिए और उसमें हम लोग इसको काम करेंगे तो एपीआई भी बन जाएगा साथ साथ एपीआई का दोनों चीज़ें। इसीलिए कंपनी का डिमांड ज़्यादा एपीआई की है। उसकी वजह यही है कि एपीआई को एजेक्ट में भी यूज कर सकता है, एपीआई को एंड्रॉइड डेवलपर को भी दे सकता है, एपीआई से दूसरा एप्लीकेशन बना सकता है, रिएक्ट वाले को संभाल सकता है। एक ही एपीआई पूरा का पूरा कंट्रोल करता है, 360 चीजें डेवलपमेंट चलाता है। इसीलिए एपीआई का डिमांड ज्यादा होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है जिससे उसको सीखने में आपको टाइम लगेगा, प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं। सीखने का काम क्या है, प्रैक्टिस चाहिए। तो आप यहाँ पर रिक्वेस्ट पास किया और साथ में आप आई डी भी पास कर दिए, ठीक है। अब उस आई डी से रिलेटेड जो डेटा है वो फाइंड आपने किया और तो डेट कर। लेकिन मामला है डिलीट फाइंड होने के बीच में एक खतरनाक बात, नहीं मिला तो डिलीट हो जाएगा, नहीं होगा तो उसका कंडीशन को लॉजिक नहीं सकते हो। तो क्या करो, यहाँ पे रिटर्न करो अपनी कंडीशन के साथ, क्योंकि रिटर्न आपको जैसा में करना है। तो आपको ऐसा लिखना है कि एग्जाम्पल देखते हैं कि इफ नॉट टास्क, अगर टास्क ना हो, जब टास्क ना हो तो रिटर्न रिस्पॉन्स दिया फ्रॉम। आपको क्या करना होगा, सक्सेस में मैसेज डालना होगा, ठीक है। सक्सेस कौन हो जाएगा, सक्सेस क्या होगा, बोलिए ना, फॉल्स आ जाएगा। और आपका जो मैसेज होगा वो क्या होगा, टास्क नॉट फाउंड। और ध्यान रहे नॉट फाउंड का एक अपना एक एरर मैसेज होता है, ध्यान रखने की बात क्या है, एरर मैसेज होता है। सेकंड पैरामीटर आप उसको जेएसओ में डाल सकते हो, फर्स्ट पैरामीटर आपको एरे डाला है जो कि ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको सेकंड पैरामीटर में आप उसका कोड डाल सकते हो जैसे चालू टास्क नॉट फाउंड, तो वो एरर जनरेट करने का काम करो। लेकिन अगर टास्क है तो डिलीट होगा और फिर डिलीट होने के बाद जो रिटर्न होगा वो अलग होगा, ठीक है। उसका अलग क्या मैसेज होगा, जो सक्सेस उसका क्या होगा, बोलिए ना, ट्रू होगा। और जो मैसेज होगा वो क्या होगा, टास्क डिलीटेड सक्सेसफुली। जो 200 इसका मतलब ओके होता है, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है। तो 200 का मतलब ओके होता है, 400 का मतलब क्या होता है, 300 का मतलब क्या होता है, 301 का मतलब क्या होता है। प्लीज जाके गूगल सर्च कीजिए और पता कीजिए, इसको बोलते हैं HTTP एरर कोड। सर्च कीजिएगा HTTP एरर कोड तो आप पढ़ लीजिएगा। तो 200 की कैटेगरी में अलग है, 300 की कैटेगरी में अलग है, 400 की कैटेगरी अलग है, 500 का मतलब सर्वर एरर होता है, 505 का मतलब सर्वर नॉट फाउंड होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो आपको सीखनी है, ठीक है। तो देखिए डिलीट होने पर अलग मैसेज है और डिलीट ना होने पर अलग मैसेज है। इसका जो राउट है, इसका जो URL है वो कहाँ बनेगा, क्या बनेगा। जिस मैसेज के साथ आप काम करना चाहते हैं उस मैसेज में आप कर सकते हैं। देखिए हम तो हमेशा कहेंगे क्या, जब आप डिलीट कर रहे होते हैं तो उसका मैसेज डिलीट मैसेज रखिए। तो मैसेज गेट में लगा के क्या लगाना, एपीआई में बहुत स्पीड से काम करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिलीट और उसके बाद जो आई डी आपको डालना है वो डालिए, ठीक है। टास्क और उसके बाद आप यहाँ पे फंक्शन नाम लिख सकते हैं। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, अक्सर जो डिलीट फंक्शन यहाँ और यहाँ वाला आपस में क्या हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है। डिलीट फंक्शन भी डिलीट कर रहा है और फंक्शन का नाम भी डिलीट कर दिया, तो सो मच कंफ्यूजन। आप इसका नाम डिस्ट्रॉय रखिए, आप इसका नाम रिमूव रखिए, लेकिन डिलीट मत रखिए। डिलीट रिकॉर्ड रखिए, डिलीट टास्क रखिए, लेकिन डिलीट मत रखिए। तो आप इससे बचिए, नहीं तो ये एरर देता है। मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया कि देता है, ठीक है। डिस्ट्रॉय, ठीक है भाई, डिस्ट्रॉय रिमूव सही नाम है, ठीक है ना। हटा दो, मार दो, गोली मार दो, तो यहाँ पे डिलीट, ठीक है। एंड द सेकंड पैरामीटर द नेम अबाउट इज डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय में पैरामीटर का ध्यान रखना है और क्योंकि डिलीट मेथड से काम कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है डिलीट मेथड से ही आपको एडजस्ट चलाना है। डिलीट मेथड एडजस्ट चलाने का मतलब है डेटा पास करना होगा, डेटा के तौर पर क्या जाएगा आएगी। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। तो डिलीट का फॉर्म एपीआई तैयार है मेरा, जो कि आपको एपीआई चेक करना है। आप एपीआई चेक कर लीजिए, थंडर क्लाइंट का यूज कर सकते हैं। थंडर क्लाइंट में आप यहाँ पे एपीआई के बाद अपना लिख डिलीट और /1 लगा के देखिए और देखिए डिलीट होता है कि नहीं होता। पोस्ट मैसेज है तो ये बोलेगा कि दिस मैसेज इज नॉट सपोर्टेड, है ना, नॉट अलाउड मैसेज। तो आप उसको मैसेज क्या करेंगे, डिलीट करेंगे और उसको डिलीट करेंगे। तो 419 आ गया, यानी ये सारे ओपन एरर इसमें सारा टोकन का एरर इशू आया है, इसको एलिमिनेट नहीं है। देखो एपीआई में ये सारा होता नहीं, लेकिन जब आप अगर CSRF लगाते हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए ध्यान, यहाँ पे हटा सकते हो, कहाँ से हटा सकते हो, बिहेवियर के पास जाइएगा, यहाँ वेरीफाई CSRF टोकन और यहाँ पे एग्रीमेंट का URL है। आप इसको हटाना चाहते हैं, हम चाहते हैं डिलीट स्लैश और बस हो गया, स्टार लगा देना। यहाँ पे डिलीट स्लैश के आगे कुछ भी होगा तो उसको हटा दो, ठीक है। तो वो हटाता है कि नहीं हटाता, उसके लिए आप दोबारा हिट करके देखो, ओह वाह हटा दिया, लेकिन आपका आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड मिला है ना, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हो चुका है। हम वी एस वाला से नहीं आने लगा, तो बेसिकली आपका डेटा लीक हो गया है ना, URL आपका ठीक ठाक काम करता है। बेस्ट में क्या है, एग्रीमेंट नहीं करके हम आपको API वाला राउट बताएंगे, उससे कीजिएगा। API वाला राउट आपका वेब में नहीं बनता है, इसके लिए अलग से फाइल है api.php, इसके ऊपर काम करके आपको बताएंगे, ठीक है ना। सब रेडी है, अभी वैसे नहीं हुआ, ठीक है। तो मेरा API टेस्ट हो गया है, API काम कर रहा है, डेस्ट्रॉय फंक्शन काम कर रहा है, मेरा राउट भी ठीक ठाक काम कर रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ बटन के ऊपर ट्रिगर करेंगे कि क्लिक करने पर ये वाला फंक्शन, तो क्लिक करने पर कौन सा फंक्शन चलेगा उसको बनाना पड़ेगा। कॉलिंग वाला डेटा जैसे फंक्शन बनाया और कॉल किया है, वैसे हम लोग को एक और फंक्शन बनाना होगा डिलीट वन, ठीक है। तो फंक्शन डिलीट डिलीट टास्क, अरे नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब डिलीट टास्क में जाएगी आईडी को जाएगा लेकिन हमको वो डाल, ठीक है। नॉर्मली इसको इस फंक्शन पे ये फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है टेस्ट करेंगे, डिलीट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है तो टेस्ट करेंगे। ऑन डिलीट पे इसको बटन को लगा के देखेंगे, तो देखो कॉलिंग के केस में यहाँ पे बटन बनाया हुआ है, तो यहाँ पे ऑन क्लिक लगा देंगे। ऑन क्लिक जब हम इसे क्लिक करते हैं तो क्या चलना चाहिए, तो जब हम इसे क्लिक करते हैं तो डॉलर कलिंग है। अब यहाँ पे डिलीट जो फंक्शन का नाम है वो डाल दो, छोटी जगह डाल देंगे, ठीक है। इसका काम है कि लगाना तो अपने यहाँ काम करने लगा, नहीं काम कर रहा है, क्या गलती हो रहा है, अरे कर थोड़ा सा लगाने के लिए उसका रखते हैं। हाँ इधर आ रहा है, देखते हैं क्या है, कंट्रोल में क्या बीमारी है, नॉट वर्क। इसमें तो अपने आप लोड फॉलो जाता है, मतलब अपने आप फॉलो जाता है, ओके ना। ये अपने आप फॉल नहीं लगने को हमको चाहिए ऐसे वाले, इट्स नॉट वर्किंग, ये नहीं नॉट वर्किंग, क्या हो गया है, कोई बात नहीं। ओहो मैं तो बोल ही गया, मैं इसको तो एडिट तो नहीं कर सकता, माइंड माइंड मत करना, ये एकदम आसान तो काम है। ऐसे देखो इसका नाम डिलीट बटन, डिलीट बटन, तो एक्चुअल नाम क्या कर सकते थे, ये फंक्शन मेरा कब काम करेगा जब डॉलर और इसमें मेरा हैश डिलीट डिटेल, क्या नाम है कैपिटल कर कंफ्यूजन डिलीट बटन जब क्लिक करेंगे रेडी होता है, लोड होता है, तब ये फंक्शन चले, क्या हो गया। अब एलेट चेक करते हैं काम करेंगे, हेलो दिलीप भैया ठीक ठाक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहा, चेक कर लेते हैं आप। भाई साहब कितने तरीके में कहा है, लिटिल बिट मोर टाइम रियली हाँ आईडी का नाम डिलीट बटन है, जब इसको क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन है डिलीट का क्लिक इसे बाहर आ जाने, ठीक है, तो बाहर आके बैठिए। जब हम क्लिक करेंगे काम करते हैं आईडी का नाम तो जनरेट बाद में जाना इसका क्लास का नाम क्या है डॉट डिग्री ये भी कर सकते हैं डॉट डिग्री हमको बटन का डिजाइन में भी शक लगा था भी लग रहा है क्या है इधर फुल टाइम बटन भी क्या क्लास का नाम बटन है शुरू से दावत उससे लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ पर डिजाइन नहीं आ रहा है बाकी ये बटन का हमें उसको अंदर डाल देते हैं तो सुनने पर दिखा है इसको यहाँ डाल देते हैं सबसे पहला फंक्शन ये है ना यहाँ इसके अंदर डाल देते हैं और इसके बाद हम तो काम करेंगे उसको गुड। तो देखो जब हम लोग का होता क्या है कि जब हम लोग का जो पेज लोड होता है ना तो इसमें बटन ये बना रही है ये फंक्शन बना रहा है बटन में ये बना रहा है तो बटन का जो फंक्शन का वर्किंग है यही बटन करेगा जैसे हम लोग कॉलिंग में छोड़ा ठीक है रीसेट हो गया अब यहाँ नहीं लेते डिलीट इवेंट वर्ड ठीक है तो ये यहाँ पे लग गया फोर इसके जस्ट बाद मतलब जहाँ पे जैसे एस्टीमेट बना उधर तो ये इसको पकड़ लेगा यहाँ क्योंकि एक्चुअल में नोट पहले हो गया बाद बना बाद में उसको खोज ही नहीं पाता ये मामला तो हम लोग सॉल्व कर लें। तो अब क्या करना है अब इसके अंदर में अपना एजेक्ट चलाना है और वो एजेक्ट का कॉलिंग करना है डिलीट होने पर फिर इसको रिसेट करा देना अब खत्म हो गया मतलब काम चलो तो डिलीट का जो प्रोसेस है वो ये है कि हमको इसका डॉलर डॉट एजेक्ट जैसे स्कूल में लगा देते हैं देखो यहाँ पे डॉलर डॉट एजेक्ट टेबल लगाया डॉलर डॉट एजेक्ट है ना एजेक्ट मेथड लगाया कल जाके टाइप टाइप क्या होगा डिलीट यूआरएल यूआरएल हम लोग बनाए हैं पोस्ट कल जाके ब्राउज ROI ठीक है और उसके बाद क्या चाहिए हमको क्या बात करना है इम्पोर्टेंट क्या चीज है में हाँ सक्सेस होने पर क्या करना है वो बताना होगा हाँ वो निकाल देते हैं डेटा वैसा कैसे निकालेंगे वो डेटा वहाँ से यूआरएल में पैरामीटर भी पा सकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि क्लिक करने पर मेरी बात नहीं यूज कर रहा है लेकिन मेरे पास कौन सा क्लिक करके आ रहा है वो तो बताएगी नहीं एक तरीका हो सकता है ये हो कि इसको इनपुट टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं इनपुट टाइप में कन्वर्ट करेंगे आंसर करके निकाल रहा हूँ। ये काम करते हैं एक डाटा नाम का एट्रीब्यूट डाल और उस एट्रीब्यूट के अंदर ही इधर कोड कॉलम कर देते और इसका आइटम डॉट आईडी, ठीक है, डॉट आईडी इसके डाटा एट्रीब्यूट को कैसे एक्सेस करेंगे वो देखना बहुत जरूरी है। और मेरी फंक्शन के बाद इसको पहले मुझे कमेंट कर देते हैं एडिट कैलकुलेटर से रन नहीं करें हम कैसे नहीं करते पहले वो डाटा को एक्सेस करने देते हैं अलर्ट और यहाँ लिख देते हैं दिस डॉट दिस मतलब इसी ऑब्जेक्ट का दिस डॉट डाटा डॉलर कैसे लगाते हैं डॉलर दिस मतलब यहाँ पे ज्यादा है करा देना चाहिए डाटा ये बच्चे करते हैं चार फिर चलेगा जैसे मार्केट बता रहे हैं इसका है ना ये पहले इसे हटा नहीं पड़ेगा पहले इसे हटा दिया इससे क्या डाटा तो दूसरा नाम है डाटा डैश आईडी ये डबल टी आर एट्रीब्यूट डाटा डैश आईडी पता नहीं कितना सही जाएगा। हाँ तो परफेक्ट तो हम एट्रीब्यूट से निकाला है उस आई डाटा डॉट आईडी नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं आईडी इक्वल टू यार आईडी स्टोर कर ली। अब आईडी स्टोर करने के बाद हम एजेक्स को डाल तो डॉलर .एजेक्स और यहाँ पे कर लेंगे सारी पूरा करते हैं सब कुछ। और उसके बाद आते हैं दोबारा सिंगल कोट में डबल कर लेंगे डाउन डिस्टॉर्ट और उसके बाद हम लोग करेंगे और देखते अच्छा इसी राउट में ही वो भी ऐड करना है तो हम ऐसे सेकेंड पैरामीटर के तौर पर बात करेंगे इसको बैकस्लैश में कन्वर्ट करते हैं। बैकस्लैश में कन्वर्ट करने का मतलब ये कि हम इसमें यूआरएल डाल करें आईडी पास करें शायद ये यूआरएल पूरा होगा। इसके बाद हमको किसी चीज़ में चाहिए वो है सक्सेस फंक्शन कॉल होगा जो पहले करके बैठे वही सर कॉल बैक फंक्शन और उसके बाद हम लोगों को क्या करना है लिंक होने के बाद एरर दिखा देना है भैया रिस्पॉन्स का जो मैसेज है वो क्या है, ठीक है। और एरर आने पर से क्या रिस्पॉन्स का मैसेज है वो भी दिखा देते हैं। एरर होने पर क्या दिखाना है कॉल बैक फंक्शन रिस्पॉन्स पर ही आएगा अलग और इसमें भी एरर ही लगाना है नहीं कंसोल में लगाना कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स नहीं इसमें एरर ही पास होती है एरर नाम से पास है कितने काफी बस प्रिंट कर देगा बोल, ठीक है। सारा काम हो जाने के बाद एजेक्ट का सारा काम होने के बाद अपडेट क्या नाम होता है फंक्शन का नाम फॉलिंग डेटा को चला दो ताकि पेज लिख सकें। तो यहाँ पे कमेंट भी देते हैं ताकि लीक जो हुआ हो जाए कम से कम अनडिफाइंड कॉन्स्टेंट कहाँ लाइन नंबर क्या है वो राउट में तब हम नहीं डाल पाएंगे तब हमको नॉर्मल यूआरएल डालना पड़ेगा कोई बात नहीं फ्लैश और यहाँ पे दिया गया, ठीक है। देखो बता हो गया आंसर का ये कुछ एरर है कंट्रोल एरर कंफर्म और मजेदार काम हो गया। एक बार और अटेंड करते हैं एक घंटे चला गया दूसरा बार बहुत बढ़िया। अब देखिए वो अनडिफाइंड डिलीट का भी यूआरएल करने लगा ना डिलीट करने लगा है हम ऐसा इवन के जो हम कितने चैनल पर जाने चले तो होगा कोई डिजाइन बोल दो कोई बहुत रात हो गई परफेक्ट ठीक है। अब क्या है कि तुम लोग खाली करवाना था ओके फॉलिंग में जब उसमें डेटा इंसर्ट में जब डेटा इंसर्ट हो जाता है तब उसके बाद इतना है डॉलर और ये करना क्या है तो ये टास्क डॉट रिको रिको ये क्लियर नाम है याद में है इसको कैसे हम लोग यहाँ पर कोई लाइक कर क्लियर है हाँ तो क्लियर नहीं सर क्लियर आप लोग कर लिए Reset form data in a query. एक बार पूछना पड़ता है क्या करना पड़ता है आपको सब आप ढूंढ ले सकते हैं। हाँ देखिए वहाँ का आपको नजर देखिए आपका इंटर ब्लैंक पूरा ऐसे का काम करेक्ट हो गया ये भी बन गया है।